दोस्तों खाना चाहे जितना भी बेस्वाद क्यों ना हो, लेकिन अगर साथ में बिल्कुल ताजा और करारा सलाद मिल जाए तो हर चीज लाजवाब हो जाती है। और सलाद में अगर ताजी ताजी मूलियां हो तब तो बात ही अलग है। ऊपर से अगर नींबू निचोड़ दे जाए तब तो इंसान सूखा चावल भी सलाद के साथ खा सकता है। वैसे खाइएगा नहीं, हम बस बता रहे हैं। क्योंकि वाकई में कई लोग खाना भले ही ना खाएं, लेकिन अपने डाइट में सलाद को रखना नहीं भूलते और उसमें मूली जरूर शामिल होते हैं। पर दोस्तों जिस मूली को हम इतना ज्यादा पसंद करते हैं वो हमारे लिए मुसीबत भी बन सकते हैं, क्योंकि मूली के साथ या फिर इसे खाने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोग खाते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। पर आप गलतियों को ना दोहराएं, इसीलिए हमने ये लाजवाब वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मूली से बच के रहना है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर आप सुबह सुबह नाश्ते में सलाद के तौर पर मूली का सेवन करना चाहते हैं तो आइडिया वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन खाली पेट इसे खाना अपनी जान का जंजाल पालने जैसा है। और हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मूली के अंदर अच्छी खासी मात्रा में आयरन मौजूद होता है जो शरीर के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब खाली पेट आयरन की अधिकता शरीर में होती है तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि पेट दर्द, गैस वगैरह। इसलिए सुबह सुबह मूली को सलाद के रूप में बिल्कुल न खाएं, यानी कि कच्ची मूली सुबह तो नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज, लोग पराठा खाते हैं और पराठे के साथ चाय की चुस्की लेना तो लाजमी है, और कई लोग तो दूध भी पीते हैं। लेकिन जनाब, मूली का पराठा अगर आप खा रहे हैं और आप सोचते हैं कि इसके साथ दूध पी लेते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मूली के पराठे या फिर मूली का दूध के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। इससे पेट दर्द की समस्या पैदा हो सकती है। ऊपर से मूली या फिर मूली के पराठे के साथ दूध या चाय का सेवन करने से त्वचा से संबंधित बीमारियां भी परेशान कर सकते हैं, यहाँ तक कि चेहरे और शरीर में सफेद दाग हो सकते हैं। इसलिए दूध के साथ मूली का कॉम्बिनेशन करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो मखाने होते हैं वो न सिर्फ स्वाद में बढ़िया होते हैं बल्कि उनके अंदर बहुत शक्ति होती है और कई सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मखाने के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप मखाने की खीर खा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें मखाना डाला गया है, उसके साथ कभी भी मूली मत खाइएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें भी वही समस्या होती है। इन दोनों ही चीजों में आयरन होता है, जिसके कारण अगर आप इन दोनों चीजों को साथ में खाएंगे तो आपको पेट दर्द की समस्या होने लगेगी। ऐसे में अगर लोग मखाने की सब्जी बना लेते हैं तो उसके साथ भी मूली को खाना सही नहीं होगा। आप सलाद के रूप में दूसरी सब्जियां भले ही खा सकते हैं। खैर, ये तो हो गई दूध और मखाने की बात, लेकिन एक और बहुत ही जरूरी चीज है जिसे हम पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। और हमें पूरा यकीन है कि आपने भी ये चीज बहुत बार करी होगी, जहाँ सलाद में आपने मूली, प्याज और खीरा, इन तीनों चीजों को साथ में काटा होगा। एक बात कान में डाल लीजिए और अपने दोस्तों, यारों और परिवार वालों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिए कि खीरे और मूली को कभी भी साथ में मत काटिएगा, क्योंकि लोग अक्सर सलाद में खीरा और मूली दोनों को काट लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये उनके लिए फायदेमंद होगा, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में खीरे के अंदर एस्कोबर्नाज नाम का एक तत्व पाया जाता है जो विटामिन सी को सोखने का काम करता है। इसलिए अगर आप सलाद काट रहे हैं तो एक बार में खीरा या फिर मूली एक ही चीज खाएं, दोनों को एक साथ मिलाकर खाने की कोशिश न करें, वरना आपके मुंह का स्वाद तो बन जाएगा लेकिन आपका पेट आपको गालियां देना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से पेट दर्द वगैरह की समस्या हो सकते हैं और बॉडी में जो अंदरूनी तकलीफ होगी उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं संतरों की, जिसके साथ मूली का सेवन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। असल में मूली के साथ संतरे जैसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सेहत पे बुरा असर डाल सकता है और इन दोनों को साथ में खाने से ये जहर का काम करता है। ऐसा करने से आपके पेट के लिए तमाम परेशानियां पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अगर आपने संतरा खाया है तो कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद ही मूली का सेवन करें। वैसे खतरनाक कॉम्बिनेशन से याद आया कि करेला और मूली का साथ भी बहुत खतरनाक होता है। वैसे तो करेला सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तभी तो लोग करेले का जूस पीते हैं। हाँ, ये स्वाद में कड़वा जरूर होता है, लेकिन इससे मिलने वाले फायदे उस कड़वेपन से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन जब कभी भी आप खाने में करेला लें तो मूली को अपनी खुराक से हटा दें, क्योंकि इन दोनों का जो मेल होता है वो साथ में तकलीफ दे सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि मूली और करेला साथ में खाने से सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि मूली खराब है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके कई सारे फायदे हैं। इसके अंदर फॉलिक एसिड पाया जाता है, उसके अलावा कैल्शियम और आयरन जैसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मूली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह, पेट, आंतों, किडनी संबंधित बीमारियों से लेकर डायबिटीज और कैंसर जैसी समस्याओं को भी कम करने में मदद करते हैं। पर दोस्तों, हर चीज का इस्तेमाल करने का एक सही समय और तरीका होता है, और यहाँ हमें ये समझना होगा कि आखिर मूली का सेवन करने का सबसे सही समय और तरीका क्या है, हमें कब मूली खानी चाहिए और कब नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम मूली खाने के लिए सबसे बढ़िया होता है। असल में दोस्तों, मूली की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसकी पैदावार अधिक देखने को मिलती है। ऐसे में सर्द मौसम में मूली का सेवन जरूर करें,
लेकिन कोशिश करें कि इसे आप दिन के वक्त ही खाएं, क्योंकि मूली ऐसी चीज है जिसकी तासीर रात के वक्त बदल जाते हैं, यानी कि ये कब कौन सा रूप दिखा दे कोई भरोसा नहीं। इसी वजह से अगर आप मूली खा रहे हैं तो इस बात की कोशिश करें कि आप इसे दिन के वक्त खाएं, क्योंकि रात में इसकी तासीर ठंडी हो जाती है जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। और सर्दियों में ठंडी तासीर वाली चीजें खाना बीमारियों को खुला न्योता देने के बराबर है। अब आपको ये तो पता चल गया कि मूली को कब और कैसे खाना है, लेकिन कई लोग ये भी पूछेंगे कि आखिर हम मूली क्यों खाएं। भाई आपको मूली से जुड़ी कुछ ऐसी बेहतरीन बातें बताते हैं जिससे आप अपने शरीर को हिस्ट पुष्ट रख सकते हैं। कुछ ऐसे नुस्खे जो मूली से तैयार होते हैं और आपको जबरदस्त फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी को पीलिया हो गया है तो पीलिया की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मूली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। बस इसके लिए मूली के ताजे पत्तों को पीसकर इसका पेस्ट बना लें और फिर उसे दूध में डालकर उबाल लें। जब झाग ऊपर की तरफ आ जाए तो उसे पी लें। ऐसा करने से आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, मूली पथरी के केस में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को पथरी की समस्या होती है उन्हें 100 ग्राम मूली के पत्तों का रस निकालना है और फिर उसे दिन में करीब 3 बार पीना है। ऐसा करने से जो पथरी होती है वो पेशाब के रास्ते बाहर निकल आएगी। और आजकल तो लोगों को खून की कमी भी बहुत होनी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर शरीर में खून की कमी है तो इस रोग से छुटकारा पाने के लिए अगर आप मूली के पत्तों का रस निकालकर दिन में 3 बार 20-20 मिलीलीटर के हिसाब से पियेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा और खून की कमी दूर होगी। दोस्तों, मूली का सेवन करने से किडनी भी बिल्कुल दुरुस्त रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मूली के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करके उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ऐसे में अगर किडनी में होने वाली प्रॉब्लम के कारण यूरिन आने की समस्या हो तो 2 से 3 बार मूली का अर्क पी लें, इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। अगर आप लंबे समय से एसिडिटी से जूझ रहे हैं तो आपको कच्ची मूली बहुत ही फायदा पहुंचा सकती है। बस इसका सेवन नियमित रूप से करें। और सर्दी जुखाम में भी मूली फायदा पहुंचाती है। बस कच्ची मूली का रस निकालकर इसे थोड़ा थोड़ा दिन में 2 से 3 बार पी लें। और दोस्तों, अगर आप खांसी के कारण परेशान हैं तो यहाँ भी मूली काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना यह है कि मूली को धूप में नहीं बल्कि छांव में रखकर थोड़ा सा सुखाना है और इसका पाउडर बनाना है। हर रोज 1 ग्राम मूली के पाउडर का सेवन करेंगे तो इससे आपकी खांसी की समस्या छूमंतर हो जाएगी। आपने ये चीज बहुत बार सुनी होगी कि मूली कब्ज में बहुत फायदा पहुंचाते हैं, जैसे खाने से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि मूली बवासीर जैसी बीमारी में भी आराम पहुँचाते हैं। ऊपर से ये पाचन क्रिया को भी सही रखते हैं, इसीलिए तो आयुर्वेद में भी मूली को खाने की सलाह दी जाती है। आंतों की सफाई के लिए मूली से अच्छी कोई भी चीज नहीं होती। मूली शरीर में जमा खराब बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और मोटापा कम करने में भी मूली का बहुत बड़ा हाथ होता है। और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने वाली लड़कियां भी ये बात सुन लें कि अगर आप मूली के रस को घिसकर बालों में लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही जल्दी घने, लंबे और काले हो जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज तो यह है कि मूली खाने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। अब दोस्तों, हमने तो आपको मूली खाने के कई सारे फायदे बता दिए और किस तरह इसे खाना है ये भी बता दिया, लेकिन हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि मूली को किस तरह नहीं खाना है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और अगर ये वीडियो जरा सी भी काम की लगी हो तो अपने दोस्तों यारों के साथ इसे शेयर करने के साथ साथ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की लाजवाब वीडियो लाते रहते हैं।